हे वेलकम बैक। हर बार की तरह आज एक और नया फॉर्मूला मैं लेके आया हूँ। बिजीनेस से बिजनेस नहीं बढ़ता है, बिजनेस बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता है। बिजीनेस से बिजनेस नहीं बढ़ता, बिजनेस बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता है। एक्चुअली जो बहुत बिजी आदमी होता है वो मल्टीपल थिंग्स पे फोकस करता है, और जो बिजनेस बढ़ाता है वो मेन थिंग पे फोकस करता है। डोंट फोकस ऑन द मल्टीपल थिंग्स, कम ऑन फोकस ऑन द मेन थिंग। व्हेन यू फोकस ऑन द मेन थिंग बिजनेस विल फॉलो यू, व्हेन यू फोकस ऑन द मल्टीपल थिंग्स नथिंग विल फॉलो यू। दैट्स माय मेन पॉइंट टुडे। डोंट फोकस ऑन मल्टीपल थिंग्स, फोकस ऑन द मेन थिंग। जो लोग रोज गोल गोल घूमते हैं ना बिजी होके, उनका कोई गोल अचीव नहीं होता है। अगर आप अचीव करना चाहते हैं गोल, तो डोंट गो गोल गोल। जितना गोल गोल घूमेंगे इस इंपॉर्टेंट गोल को मिस कर जाएंगे, फोकस गोल है उसको मिस कर जाएंगे। इसीलिए गोल गोल नहीं घूमना है। और कई लोग हैं जो मेन थिंग पे फोकस करते हैं। डोंट फोकस ऑन मल्टीपल थिंग्स, कम ऑन मेन थिंग पे फोकस करते हैं। एक्चुअली बिजनेस और बिजीनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हैं। जब आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं तो बिजनेस घटता है, और जब आप बिजनेस घटा के मेन थिंग पे फोकस करते हैं बिजनेस अपने आप बढ़ जाता है। बहुत बिजी होने से बिजनेस बढ़ता है, ये मिथ है, ये बहुत बड़ी मिथ्या है। बिजी लोग बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, मिथ्या है। काफी लोगों को मैं देखता हूं लंबी सी एक थिंग्स टू डू लिस्ट बना लेते हैं, और थिंग्स टू डू में 15 एक्टिविटीज लिख लेते हैं, और बार बार वो रीओरियंट और डिसओरियंट होते रहते हैं। कभी ये काम करते हैं, कभी ये काम करते हैं, कभी ये काम करते हैं। इन फैक्ट समटाइम्स द बेस्ट थिंग टू डू इज नॉट टू फॉलो योर थिंग्स टू डू। इसका मतलब क्या है? इन फैक्ट समटाइम्स अवॉइडिंग अ टू डू लिस्ट इज द बेस्ट थिंग टू डू। तो मैं आज आपको एक नए प्रकार का टेम्पलेट देना चाहता हूं, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूलाज तो मैं देता ही हूं। ध्यान से देखिएगा, ये जो टेम्पलेट मैं दे रहा हूं आपको, इसमें अपने शेड्यूल को ब्लॉक कर दीजिए। 8 AM टू 2 PM डालिए मेन थिंग, और 2 PM टू 8 PM डाल दीजिए मल्टीपल थिंग्स, नो प्रॉब्लम। जो मेन थिंग है ना वो मल्टीपल नहीं होती हैं, वो सबसे बड़े की ड्राइवर्स होते हैं। व्हाट आर योर इंपॉर्टेंट की ड्राइवर, दैट्स माय क्वेश्चन। व्हिच इज योर फोकस की ड्राइवर, दैट्स माय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका अर्थ हुआ कि अपने दिन को दो हिस्सों में डिवाइड करिए। जो पहला हिस्सा है 8 AM टू 2 PM, वो मेन थिंग पे रखिए, वो की ड्राइवर पे रखिए, की फोकस एरिया पे रखिए। बची कुची जो रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें हैं वो मल्टीपल थिंग्स को 2 PM टू 8 PM में ले आइए। ये टेम्पलेट को फॉलो करिए। ये जो मेन थिंग है ये बड़े ड्राइवर होते हैं लेकिन मिस हो जाते हैं, इन पे फोकस जाता नहीं, क्योंकि अर्जेंट चीजें बार बार आपका समय ले जाएंगी। ये जो मल्टीपल थिंग्स और मल्टी टास्किंग है ये मिथ्या है, ये एक भ्रम है जो एक आदमी को डिसओरियंट कर देता है, उसकी प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाती है। कि 5 घोड़े दौड़ रहे हैं एक रथ में, और 5ों घोड़े अचानक छूट के अलग अलग दिशा में भागना शुरू कर दें। अलग अलग दिशा में भागने वाले घोड़े होगा क्या, और रथ उलट पुलट जाएगा। रथ आपके जीवन के समान है, और ये जो घोड़े हैं अलग अलग दिशाएं जब भी जाएगा ना मल्टीपल थिंग्स, कुछ अचीव नहीं होने वाला। इमेजिन 5ों घोड़े पूरे रथ के समय एक ही दिशा में चलते जा रहे हो, हाईएस्ट स्पीड पे जा रहे हो एक ही दिशा में, यानी कि उसमें जो प्रोडक्टिविटी, स्पीड, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस आएगा हाईएस्ट होगा। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको परेटो प्रिंसिपल के सिद्धांत के विषय में चर्चा किया था। एक्चुअली जो परेटो प्रिंसिपल का सिद्धांत है वो मल्टीपल थिंग्स का बहुत बड़ा खंडन करता है। ये 20% का आपका मेन फोकस है, ये 80% का आपको मल्टीपल रिजल्ट देगा। पर समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब आप मल्टीपल पे फोकस करेंगे ना मेन मिलेगा ना मल्टीपल मिलेगा। 20% फोकस से बहुत बड़ा 80% रिजल्ट मिलता है, पर कौन सा वो 20% फोकस है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस मिनिमम बिजनेस से आता है, बिजनेस नहीं चाहिए, 20% एक्टिविटी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस आ गया। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सोचने समझने का फ्रीडम देना चाहता हूं, छोटी छोटी चीजों से बाहर निकालना चाहता हूं, क्योंकि छोटी और पांव की मोच इंसान को दूर जाने नहीं देती है। आप जानते हैं मैं इसको बाहर निकाल के बड़ी सोच पे लेके जाना चाहता हूं। कम मेहनत करो, रिजल्ट बड़ा लेकर के आओ। परेटो प्रिंसिपल ने भयंकर खंडन किया मल्टीपल थिंग्स का। फोकस ऑन द मेन थिंग, नॉट ऑन द मल्टीपल थिंग्स। एक्चुअली यू शुड ड्राइव वन फोकस इंस्टेड ऑफ गेटिंग ड्रिवन बाय 10 डिफरेंट। आई विल से वन मोर टाइम, एक्चुअली यू शुड ड्राइव वन फोकस इंस्टेड ऑफ गेटिंग ड्रिवन बाय डिफरेंट 10। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मिस्टर बिंद्रा मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे क्या? मल्टीटास्किंग तो बहुत जरूरी है। आजकल मल्टीटास्किंग बड़ा फैशनेबल वर्ड बन गया है। आजकल आप गूगल पर डालो मल्टीटास्किंग के बारे में बहुत डेटा आ जाएगा। रोज अखबार कुछ ना कुछ मल्टीटास्किंग के बारे में लिख रहे हैं। मिथ्या है, बहुत बड़ी मिथ्या है। एक्चुअली मल्टीटास्किंग हो नहीं सकता है, मल्टी एक्टिविटी हो सकता है, मल्टी फोकस नहीं हो सकता है। मल्टी एक्टिविटी और मल्टी फोकस में बहुत अंतर है। मल्टी एक्टिविटी क्या है? आप च्युइंगम खा सकते हैं और चल सकते हैं, वो तो संभव है। आप फोन पर बात कर सकते हैं और चल सकते हैं, वो तो संभव है। आप औरतें कपड़े प्रेस कर सकती हैं और साथ में टीवी देख सकती हैं, संभव है। खाना बना सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, संभव है। ये मल्टी एक्टिविटी है, मल्टी फोकस नहीं हो सकता। अगर आप ऑफिस के अंदर एक ट्रिवियल मीटिंग में बैठे हुए हैं और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है,
और उसी के दौरान साथ साथ आप सोचें मैं अपनी वाइफ के साथ बात करके शादी का कार्ड बांटने का प्लानर भी बना लूं, दो चीज़ें नहीं हो सकती हैं जिसमें भयंकर फोकस चाहिए। अगर कोई डॉक्टर सर्जरी कर रहा हो और साथ में एक्सेल फाइल को भी प्लान कर रहा हो कि मुझे अपनी सैलरी का इंसेंटिव कैसे निकालना है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट साथ में नहीं हो सकती हैं। मल्टी फोकस इज़ नॉट पॉसिबल। मल्टी एक्टिविटी तो हो सकता है, मल्टी फोकस नहीं हो सकता है। इसलिए ये बहुत बड़ी मिथ्या है मल्टी टास्किंग, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। स्टीव वूजल सेज मल्टी टास्किंग इज मियरली द अपॉर्चुनिटी टू स्क्रू अप मोर देन one thing at a time. Steve Woozel says multitasking is merely an opportunity to screw up more than one thing at a time. एक्चुअली जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हिडन ड्रिवन पैटर्न बन जाता है उसके साथ में दूसरा काम करना आसान है। मल्टी एक्टिविटी संभव है, मल्टी फोकस संभव नहीं है। एक्चुअली ये एक एडिक्शन है, बाउंसिंग बिटवीन मल्टीपल वर्क एंड कीप शिफ्टिंग दी ओरिएंटेशन। जब आप बार बार मेंटल ओरिएंटेशन शिफ्ट करते हैं तो जो आपकी एफिशिएंसी का लेवल है वो नीचे चला जाता है। आप कोई काम कर रहे हैं और बिजी विद एन एक्टिविटी, अचानक एक दूसरा काम आ गया बीच में। आप बैठे थे अपने ऑफिस में, बहुत ध्यान से काम कर रहे थे, अचानक एक बीच में एक एम्प्लॉई आया, बोला सर बहुत जरूरी है, सर मेरी बात सुनिए बहुत जरूरी है। उसको आपने अटेंड किया, आपने पुराने काम को छोड़ा, आपने एक ब्रेक लिया और पुराने ओरिएंटेशन से डिसओरिएंटेशन हुआ क्योंकि अब आपको नए ओरिएंटेशन में जाना है। यू गॉट न्यू ओरिएंटेशन, अभी वो आदमी गया बीच में से, अभी आप पुराने काम पे फिर रीओरिएंट हो गए, एक और ब्रेक था, फिर रीओरिएंट हुए, फिर अचानक बीच में एक कॉल आ गया, सर एक इमरजेंसी है, ये सेल्स कॉल को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा, क्या आप मुझे हेल्प करेंगे प्लीज, इस सेल्स कॉल को कैसे हैंडल करूं? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेल्स बढ़ाना। आपने क्या किया, पुराने काम से अब फिर डिसओरिएंट हुए, अब नए काम को रीओरिएंट हो गए, और नए काम को रीओरिएंट हुए वो खत्म किया, फिर ब्रेक लिया, पुराने काम में फिर रीओरिएंट हो गए। तो ये जो ब्रेक्स हो रहे हैं, न्यू ओरिएंटेशन ब्रेक, डिसओरिएंटेशन ब्रेक, ये इतने सारे ब्रेक्स के साथ में वही काम कंप्लीट होने में बहुत समय लग जाएगा। और आप क्या देखेंगे, उसी ओरिएंटेशन के काम को भी आप जोड़ेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, लेकिन नीचे एक व्यक्ति फोकस्ड हो गया, फोकस्ड ऑन द मेन थिंग, नॉट द मल्टीपल थिंग्स बट द मेन थिंग। उसका टाइम टेकन इज फार लेस देन इसका टाइम टेकन। मल्टीपल एक्टिविटी संभव है लेकिन मल्टीपल फोकस संभव नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड में जहां पैटर्न और हैबिट बन जाते हैं वो काम आप ड्यूअल कर सकते हैं। बहुत सारी स्टडीज का डेटा आ चुका है अबाउट द डेंजर्स ऑफ ड्राइविंग योर कार वाइल टेक्सटिंग एन SMS ऑन द मोबाइल फोन। बहुत खतरनाक है। कितना डेटा आ चुका है, कितने वीडियोज बन चुके हैं इसके ऊपर, कहीं के स्टडीज की जा चुकी हैं, ये बहुत खतरनाक है, बहुत एक्सीडेंट हो सकता है। सो बाउंसिंग बिटवीन मल्टीपल वर्क एंड कीप स्विचिंग द ओरिएंटेशन विल रिजल्ट अप टू 40% ऑफ क्वालिटी लॉस। क्वालिटी तो आ ही नहीं सकता, कैसे आएगा? क्वालिटी उसके जीवन में आता है जो समाधि में रहता है। क्वालिटी केवल उसके जीवन में आएगा जो एब्जॉर्प्शन समाधि में प्रवेश कर जाता है। समझ जाइए, मेन थिंग पे फोकस करना है, मल्टीपल थिंग पे नहीं। देखो साथियों, व्यक्ति सफल वही हुआ है, इतिहास उसी ने रचा है जिसके पास महान लक्ष्य था, जिसके पास महान लक्ष्य था। जब तक पागलपन नहीं आता है टुवर्ड्स वन फोकस, कम ऑन टुवर्ड्स वन फोकस, इसका मतलब मेन थिंग पे फोकस करना है, मल्टीपल थिंग पे नहीं। कृष्ण कहते हैं एकः कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंतश्च। ये जो बहुशाखा बुद्धि है इसको काटना पड़ेगा, एक फोकस लाना पड़ेगा, मोनोमैनिकल फोकस, वो पागलपन का, वो समाधि में प्रवेश करना पड़ेगा। दोस्तों मैं फिर पूछता हूं, वो कौन सा आपका एक फोकस है, मेन थिंग क्या है, व्हिच इज योर मेन थिंग व्हिच इज गोइंग टू गिव यू सक्सेस? अभी के अभी लिखिए, व्हाट इज दैट मेन थिंग दैट यू वांट टू फोकस ऑन, दैट्स माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद करना चाहता हूं आपके सपोर्ट का, आपके प्रेम का। हमारी व्यूअरशिप और सब्सक्रिप्शन लगातार बढ़ते चला जा रहा है, लगभग 100 से ज्यादा अवार्ड हमारे को मिल चुके हैं, और अगला अवार्ड हमारे को दुबई के अंदर वर्ल्ड लीडरशिप फेडरेशन मिडिल ईस्ट एंड एशिया लीडरशिप अवार्ड एंड समिट के अंदर थिंक टैंक ऑफ कॉर्पोरेट एशिया का मुझे नॉमिनेशन दिया गया है। मैं दुबई जा रहा हूं, हो सकता है ये अवार्ड भी मुझे मिले। अपनी दुआओं में मुझे जरूर रखिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे पावरफुल वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।